અમદાવાદ રાષ્ટ્રીય એકતા સમિતિ અને રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેના દ્વારા શહીદ દિવસ નિમિત્તે કવિ સંમેલન રાખવામાં આવ્યું, જેમાં કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ રાજ શેખાવત ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. हमको मत बतलाओ कि कैसी रणभेरी होती है, हमें पता है समर यज्ञ की घटा घनेरी होती है, हमें पता कैसे दुश्मन को जात बताई जाती है, कैसे जयचंदों को उनकी औकात बताई जाती है, कैसे दम्ब द्रोहियों का झटके से तोड़ा जाता है, हमें पता है दुश्मन को किस भात निचोड़ा जाए. और तर्क देता हूं कि ना मानो यदि तो प्यारे इतिहास उठाकर देखो तुम. इटावा से आता हूँ, गप्पे मारने की आदत नहीं हमें. जी स्वागत. वाह वाह. आज तक पुलिस पकड़ ना पाई. हाँ पंक्तियां बढ़ता हूँ. तो सुइया माई थी कभी यहाँ पर स्वयं भवानी, सीता बनकर आई थी कभी यशोदा सी माताओं ने भगवान दुलारे हैं, कभी शेखर और सुभाष जिया कर दहकाए अंगारे हैं, तब समाज में यही चलन था यही बात समाई थी, संपूर्ण स्त्री जाति इन्हीं माताओं की अनुयायी थी, किंतु सभी सद्भाव भुलाकर हम कलेश कर बैठे हैं, भरत वंश की मिट्टी को मिलकर विदेश कर बैठे हैं, देश मेरा बीमार पड़ा है और कई बीमारी है, विश्व सुंदरी चुनने में सुंदर तस्वीर हमारी है, ये सुंदरियां कुछ भी कर लें कुछ खास नहीं कर पाएंगी, सीता अनुसुईया जैसे इतिहास नहीं रच पाएंगी. मिली पराजय के कारण वो तिल्लाया था, मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और दुश्मनों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे, गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के कर्तव्य उनके सचमुच तलवारी थे, बिना शीश के युद्ध लड़ा था कथा अमर कर आए, जीत गई रजपूती और मुगलों के मुंड झुकाए, इधर नगाड़े बजे उधर दिल्ली में मातम छाया, और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में छलाया, बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना, अरे दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुक्की खाई, वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छोड़ा ले. जिंदाबाद का दिव्य गान ना करूं तो सुंदरी के रंग रूप में ही डूब जाऊं क्या, भूल के महानता का मान गान स्वाभिमान प्रेयसी व मीत प्रीत रीति को निभाऊं क्या, अरे देश के किसान और जवान को करुणा व्यक्त, सैनिकों की लाल रक्त धार को ले जाऊं क्या, और वीरता के चित्र का चरित्र ना कहूं जो मित्र भूल के पवित्र पित्र द्रोह गीत गाऊं क्या. हाय हाय वीरता के चित्र का चरित्र ना कहूं जो मित्र भूल के पवित्र पित्र द्रोह गीत गाऊं क्या, अरे भूल जाऊं बलिदानियों से मिले दान को भी गुरु दशमेश का कमाल भूल जाऊं क्या, और भूल के मैं बैठ जाऊं बंदा से वैरागियों को राणा जी बने थे धर्म ढाल भूल जाऊं क्या, और द्रोहियों की दुष्टता को दंड दे रहे थे नित्य लोहागढ़ वाले लाल लाल भूल जाऊं क्या, और भूल जाऊं मालवा के भोजराज का भी राज बोलो महाराज छत्रसाल भूल जाऊं क्या. ये हो रही है भाई, वाह वाह राम. भूल जाऊं मालवा के भोजराज का भी राज बोलो महाराज छत्रसाल भूल जाऊं क्या, और मेरी बहनों चार पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं. क्या बात है. कि मेरे देश की निशानी मेरी झांसी वाली रानी वो दीवानी मर्दानी स्वाभिमानी भूल जाऊं क्या. हमसे कहा जाता है कि प्रेमिका के प्रेम के गीत गाओ, कुंदी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा. वाह वाह. आपको बता दूं देश की युवा पीढ़ी ये नहीं है कि मेरे देश की निशानी मेरी झांसी वाली रानी वो दीवानी मर्दानी स्वाभिमानी भूल जाऊं क्या, कि बात सदियों पुरानी हुआ धर्म पानी पानी पड़ी चोटियां कटानी वो कहानी भूल जाऊं क्या, मेरे वीरों की रवानी कभी हार नहीं मानी मौत से भी रार ठानी आसमानी भूल जाऊं क्या, युद्ध क्षेत्र में भवानी बाजुओं में थी समानी फांसी झूलती जवानी बलिदानी. क्या बात है, बहुत अच्छा यार, क्या कहने जिंदाबाद. वाह 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 वाह. प्रीत जो करूंगा माता भारती के आंचल से सैनिकों के चरणों की धूल चूम लूंगा मैं. वाह. कैप्टन साहब कहां बैठे मुझे नहीं पता. जी उठो सांस को जोर से सारे टेंशन खत्म. इसने वैसे ही किया 15 दिन बाद पहुंचा टूटा फूटा. कौन सा आसन था बापू. सांस को जोर से बाहर फेंको. घर पे गया सास सोई हुई थी. उसको जैसे ही फेंकने वाला था वो मारे पे गिर पड़ी.
ये कौन सा आसन है बाबा? ये शवासन। करते रहो, लाभ होता है। ताड़ी बजाओ, लाभ होता है। इतना सुनना ही था कि एक ताड़ी बजाने तो पहुंच जाओ पे। ए बाबा, ए बाबा, किन्नर जो है? ए बाबा, ताली बजा के क्या लाभ होता है बाबा? बाबा, ए योगा का ढाबा। ताली बजाने से हाथों की नसें ठीक हो जाती। 40 साल से बजा रही हूँ, ना नस ठीक हुई ना नसल ठीक हुई, सिर्फ 6 साल पड़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड। करता क्या है? गाना गाता हूँ। सुना, अब उस 5+1 ने किन्नर जो ने क्या गाना गाया? मिडिल क्लास। कुछ भी नहीं आज इसके सिवा, ना मैं किसी का न कोई मेरा, सबको पता था मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए आज कुछ और हूँ, कुछ और हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। गाना अच्छा गाता। नाम क्या तेरा? सिकंदर। नाम बदल दे, सिकंदर का मतलब होता है अलेक्जेंडर। हाँ तो हम भी तो अलेक्जेंडर हैं। ना आदमी ना औरत, टोटल अलेक्जेंडर। एक मद्रासी भाई पहुंच गया। अच्छा, मारवाड़ी पहुंच गया। बाबा भाई जी, मारे छोरे को कौन सा आसन सिखाया हुआ है? वो लड़की ने दुपट्टे खींच रहा है। कौन सा आसन? दुशासन। दुशासन। एक शराबी पहुंच गया। बाबा हमारे लिए भी कोई क्वार्टर थेरेपी, कोई आसन? बेटा तू तो हॉलीडे आसन में। अच्छा, विच आसन? मद्रासन। मद्रासी चला गया, लुंगी उठा गया। बाबा मेरे को कौन सा आसन सिखाया? मैं आपके पास से आसन सीख के गया, उधर ग्राउंड में किया, पूरा पब्लिक मेरे को क्यों मारा? एक तो तू मद्रासी आदमी, लुंगी पहनता, और हमारे पास से सीखे गया था शीर्षासन। शीर्षासन बड़ा साउथ में तो अलाउड ही नहीं है, और ग्राउंड में करोगे तो बैकग्राउंड खराब होगा। शीर्षासन साउथ में एक ही आदमी कर सकता है, प्रभु रजनीकांत। क्योंकि रजनीकांत इतने बड़े भगवान हैं कि मां कसम एक दिन पक्का आपको खबर आएगी कि भगवान रजनीकांत को प्यारे हो गए। इतने बड़े भगवान। अब कौन सा भगवान? रतन तो बच्चा, ये सब इनके लिए हो रहा है, कुछ जाना है। जोगी जी गोरखपुर जा रहे, जोगी जी से मिलने के लिए। तो जो नाम है वही लेके जा रहे, वापस मतलब नाम बदल के। हाँ, महेंद्र भाई ने मुझे एक और फरमाइश दी है, रतन नूरा। महेंद्र भाई थैंक यू। महेंद्र भाई आई ना, एक बार आई। महेंद्र साहब के जोरदार तालियां। और सभी किसको बोलो, बोलो। महेंद्र भाई ने जो मुझे शाल दी है, मैंने दिनेश बावरा जी भी साथ हैं। बातें तो बहुत सारी है लेकिन कर रहा हूँ आपके बीच में, क्योंकि मजा आ रहा है। आपको अच्छा लग रहा है? Yes. बजाइए ताली एक बार जोरदार से। ये लो सर्टिफिकेट। लेकिन ये सारे कवि बहुत खूबसूरत हैं, भगवान ने सुंदर बना के भेजा है, हालांकि भेजा नहीं भेजा है। कुछ बच्चे बसरत पैदा होते, बसरत ही पैदा होते, शक्ल से बसरत होते हैं। आप लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? लेकिन बच्चा कितना ही बसरत हो, माँ बाप के लिए दुनिया का सबसे सुंदर होता है। वाह वाह वाह, अच्छी बात। इस पे मैंने कविता की 2 लाइनें पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कविता कवि सम्मेलन में आता हूँ तो मुझे भी अंदर से इनको छूने के बाद थोड़ा आ जाता है कवि सम्मेलन। माँ बोली तू तो स्मार्ट मिलियंस में एक है, माँ के लिए। माँ बोली तू तो स्मार्ट मिलियंस में एक है, बापू भी बोला क्यूट तू बिलियंस में एक है। वाह, ये बात तो प्रेमिका से जब पूछ ली मैंने। अब देखिए, माँ बाप का प्यार और पराई लड़की का प्यार क्या होता है। माँ बाप का इसलिए सम्मान करना चाहिए क्योंकि माँ बाप का प्यार दुनिया में कोई दूसरा उसका ऑप्शन नहीं है।
माँ बोली तू तो स्मार्ट मिलियंस में एक है, बापू भी बोला क्यूट तू बिलियंस में एक है। ये बात प्रेमिका से जब पूछ ली मैंने, वो बोली मंकी तू तो एलियंस में एक है। तो ऐसी मुशायरे की महफिल लगी थी, खवातीन हजरात रतनुल्ला पहुंच गए वहां पे। खवातीन शक्ल से लग रहा है सवाती, हजरात नहीं गुजरात जी। आप शेर पेश करने जा रहे हैं? जाऊंगा नहीं, यही सुनाऊंगा। पहला शेर अर्ज कर रहा हूं बावरा के ऊपर, क्योंकि मेरा दोस्त है। ऐ दोस्त जहां तुझे कांटे मिले वहां फूल हो जाऊंगा। वाह वाह वाह। ऐ दोस्त जहां तुझे कांटे मिले वहां फूल हो जाऊंगा, और जहां तुझे चांटे मिले वहां गुल हो जाऊंगा। अब बेवफाई पे पेश कर रहा हूँ, एक शेर और अर्ज कर रहा हूँ। आप लोग सब व्यापारी मंडल से हैं तो सुनिए मैं किस तरह से बर्बाद हुआ। कि तेरे प्यार में है बेवफा, वाह वाह, इस कगार पे आ गया है, है। तेरे प्यार में है बेवफा, इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। और मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK, प्यार कितना महंगा हो गया। मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK, उसे भी कम्बक खा गई तू बेच के। और कल तक वो कहती थी मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो, कल तक वो कहती थी मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो, आज महेंद्र यादव जैसा अमीर मिल गया तो मुझ गरीब को कहती है युगो युगो। और ये जुल्फे है तुम्हारी रे या रेशम का जाल, ये जुल्फे है तुम्हारी या रेशम का जाल, जिसमें जू बन के फंसा हुआ है सुनील पाल। वाह 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 वाह। अब ये मन जो कवियत्री बैठी है उसके लिए शेरज कर रहा हूँ। कि लड़की नहीं देश का गहना है, वाह 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 वाह, ये लड़की नहीं देश का गहना है, ज्यादा खुश मत होना ये आपकी बहना है। क्योंकि मोबाइल पे ना, और जब से व्हाट्सएप व्हाट्सएप आ गया है, लड़कियां ऐसे ऐसे फोटो डालती है, ऐसे फोटो मेकअप वेकअप करेगी और फोटो कैसे डालेगी। आउट लगता है अभी हो जाएगी आउट। और ऊपर कैप्शन भी लिखती है आज मैं घर में अकेली हूं। तो कितने कमेंट्स आएंगे, हम जैसा आदमी फोटो डाले और यही वाक्य लिखे आज मैं घर में अकेला हूं, तो महेंद्र यादव का कमेंट आएगा फांसी लगा ले जल्दी यूज कर टाइम को, हम तो बचाने भी नहीं आएंगे। तो अरे क्या अपना अंदाज है, आइए मैं कुछ फिल्मी कलाकार की आवाज पेश करता हूँ, फटाफट फटाफट कर रहा हूँ ताकि दोबारा एंट्री में इसके प्रोग्राम में परफॉर्म करना इसी की फरमाइश होती है। चलिए करता हूँ मैं। अच्छा मैं आपको अच्छा लग रहा जो मैं पेश कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है। अब मैं पेश कर रहा हूँ एक तो फटाफट मेरे फेवरेट आइटम, दोबारा आएंगे। हाँ जी बिल्कुल आऊंगा। कुछ स्टेशन ऐसे भी होते हैं, छोटे स्टेशन होते हैं, वो स्टेशन हिलता रहता है, समझ नहीं आते स्टेशन है हिल स्टेशन है, छोटे स्टेशन, वहाँ 4 ही कर्मचारी काम करते हैं, वो मरते भी नहीं, उनका नाम भी ऐसा होता है आत्माराम, जीवनदास, प्राणलाल, राम भरोसे, और स्टेशन उनके भरोसे, और रेलवे प्रभु के भरोसे। ट्रेन आने वाली अनाउंसर पी के टाइट, नेट पिलाती रही, दिल्ली जावाल सूचना समाप्त। अब लोग परेशान, एक मदरसी भाषा पूछा, अन्ना ये आपकी भाषा बोला क्या? तो मदरसी भड़का हुआ, मेरे का मैडम नहीं, मेरे का मैडम नहीं, ये बेवड़ा क्या बोलता है मैडम नहीं। वीरप्पा ने बंदूक उठाई, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, उसके बाद हो सकता है आंखों के सामने नहीं, क्योंकि रिस्किया है इश्किया नहीं। अब इनके पीछे जॉनी लीवर साहब,
यहाँ जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा। स्वागत बाबा। बाबा अबे इतनी गंदी शक्ल के पैदा कैसे हो गया तू? तुझे धरती पे किसने लाया? महेंद्र यादव ने। अबे ऐसा गंदा काम नहीं करते, इतनी गंदी शक्ल। हाँ तो किसी का भाई किससे बात कर रहे? वो कौन है गंदी शक्ल वाला? सर वो आईना है। अच्छा मिरर इमेज। इनके पीछे बोल के सुनील शेट्टी। तो वीरप्पन बोला ये ट्रक के नीचे कौन आ रहे? माधुरी को छोड़ दे, अगर तूने माधुरी को नहीं छोड़ा तो मैं तेरी बंदूक देखी पूजा करूंगा। अब इनके पीछे पहुंच के पद्मश्री सैफ अली खान साहब। पद्मश्री है पता नहीं क्यों। अच्छा इन्होंने भी साबित कर दिया ये क्रिकेटर की संतान है, ये क्रिकेटर की संतान है, साबित कर दिया इन्होंने अपने खुद के जीवन में। 2020 का मैच किया है, एक 20 साल बड़ी थी, दूसरी 20 साल छोटी है। आए हाय जिंदाबाद। और अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि फिर भी सेफ है। प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ने तो उनको ताम्र पत्र भी देना था, लेकिन उससे पहले उनके होम मिनिस्टर ने उनको तैमूर पुत्र दे दिया। पहुंच गए वीरप्पन के सामने सैफ अली खान। वैव 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 वैव। तो वीरप्पन बोला क्या उल्टी करेगा? वैव बंदूक देखी भाग गए। अब इनके पीछे पहुंच गए दो पैक पी के धर्मेंद्र साहब। पीके टाइट वीरप्पन वीरप्पन डग की औलाद मैं तेरा छोटा छोटा टुकड़ा करके कुत्तों को खिला दूंगा, और अगर कुत्तों ने नहीं खाया तो खुद खा लूंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मेरे पहले बंदूक उठाई लेकिन आज मेरा उपवास है। अब इनके बीच में पहुंच गए इरफान खान। इरफान खान बताया आपको क्या भैया? अरे बेटा हमको पहचानते हो ना बेटा? क्या चाहते क्या बे? पहचानते हो ना बेटा? वाह तो फिर अपने बंदूक उड़ाए। अरे क्या कर रहे हो बे? अबे साले हम तो जंगल पर रोशनी फैलाने आए थे, सिसका लाए थे सिसका। अब ये मैं पूछू किसका लाए थे? सिसका लाए थे वो तो खिसका है क्या? अबे डाकू बना ले, अपने नाम भी सोच लिया इरफान सिंह तोमर। तेरे लिए क्यों फ्लैंग एलईडी छोड़ वो लेडी। अब इनके बीच पहुंच गए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज भाई बहुत जोर है तोरा में, बहुत ताकत है तोरा में, माँ का बाप का भाई का सबका कसम खा के नवाजुद्दीन माधुरी को छोड़ाएगा आज के दिन। जोक था क्या? अब इनके पीछे मुझे मिठुन था। मैं सुन लिया आगे बोलो। हे वीरप्पन अगर तूने माधुरी को नहीं छोड़ा तो मेरी आने वाली फिल्म जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप है वो मैं तेरे ऊपर छोड़ूंगा। अरे तू तो तड़प तड़प के मर ही जाएगा। तो वीरप्पन का नहीं मरा तो फिर तुझे ग्रैंड सैल्यूट। क्या बात क्या बात क्या बात। और अन्ना हजारे साहब भी गई थी, वो भी पहुंच गई। अन्ना जी के पक्ष में नहीं, ये सब नहीं कर रहा था, मेरा मन दुखता है। अरे वीरप्पन तुझे क्या लगता है कि मैं अनशन करूंगा? नहीं, ये सामने जितने बैठे हैं सब मेरा परिवार है, अब ये अनशन करेंगे। शाहरुख खान पहुंच गए। हे वीरप्पन बाबूजी ने कहा कि शराब छोड़ दो, बाबूजी ने कहा कि शराब छोड़ दो, पर ये नहीं बताया किसके पास। वाह हे वीरप्पन तू तो खलास। वीरप्पन ने बंदूक उठाई ना। शाहरुख खान वीरप्पन जी
वीरप्पन जी ओम शांति ओम। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जो बार बार हारे उसे कोलकाता नाइट राइडर्स के। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से, तो सुनाए किस्से। थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद, प्यार मोहब्बत का धन्यवाद। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत सारी बातें करनी है और मैं चाहता हूँ कि अब हमारे कवि मित्रों को हम साथ में इसमें फिर को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। कुत्ते में दोस्त बनाए जा सकते हैं। कुत्ते को फोन किया तो कुत्ता कहीं बिजी था, उसके फोन से आवाज आई, आप जिस उपभोक्ता को कॉल करने का प्रयत्न कर रहे हैं वो उपभोक्ता कहीं और भोक्ता है। तो जब भी मैं गुजरात में आता हूँ मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं खासकर पुरुष सबके सब मोदी हैं, और यहाँ जितने मोदी बैठे हैं आप सब मोदियों को मेरी तरफ से लाल कृष्ण आडवाणी। हालांकि आज की पार्टी में मैं उनकी आवाज निकाल सकता हूँ पर उनकी आवाज अब किसी भी पार्टी में सुनी नहीं जा रही। हाँ अभी आपको तो पता ही होगा ना, सब हेर फेर हुआ है इलेक्शन में, जो है आडवाणी जी का टिकट कट गया है। मुझे मिले थे, मैं मिल लेता हूँ उनसे, मैं मिला था उनसे, मैं कहा सर मुबारक हो आपको, आपके पक्ष ने इसलिए आराम दे दिया है कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है। छोड़ो यार उम्र ज्यादा हो गई, कितनी उम्र है मेरी? सर 91। ये बीजेपी वाले मेरे विद्यार्थी मेरे से बावड़ा का कहना कि महिलाएं बहुत शांत बैठी है, तो जितनी महिलाएं हैं वो ताली बजा दीजिए। महिलाएं लाए कि नहीं लाए? ये देखो भविष्य की प्रियंका चोपड़ा जा रही है, ये हो सकता प्रियंका गांधी हो। आप सब महिलाओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप खुल के एंजॉय करें, आप हमारी देश की माता है, बहन है, कुछ पत्नियां भी हैं किसी की। वो भाई लोग जो सामने बैठे हैं, जो दूर बैठे हुए हैं, उनकी उनमें से किसी घर के आप शान है, वो अलग बैठे, उनको हंसने दो, आप भी हंसो। बच्चा सामने गाना गाया था याद है, सब शादी से महिलाओं पर गाना गाया था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सारी शादीशुदा औरतों की तारीफ की थी, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। एक भी कुआरों के लिए इसमें लाइन नहीं थी। कोई प्रोग्राम आता था बालिका वधू, उसे दुबली पतली बुढ़िया आती थी, हमेशा मरने और मारने की बात करती थी, एकदम दुबली पतली हड़काली कड़काली, क्या समझे तो मरने बड़ी जबान चलावे, तू बालिका वधू है तो मैं नगर पालिका वधू। अगले जन्म में बिटिया ही की जो उस कार्यक्रम में अगर शक्ति कपूर होता तो प्रोग्राम का नाम होता अगले जन्म में घटिया ही की जो। हरे का प्रोग्राम था, मैंने महेंद्र यादव जी से पूछा कि आप कौन सा प्रोग्राम देखते हैं, बोले मैं कॉमेडी प्रोग्राम देखता हूं। मैंने कहा वेरी गुड, कौन सा? बोले फिर सारे चैनल चेक किए, बाद में पता चला वो FIR देखते हैं। और आप लोग तो शरीफ लोग रात को सो जाते हैं, मैं रात के 12 बजे के बाद TV देखता हूं और 12 बजे के बाद कुछ सस्ते सस्ते ऐड आते हैं, संधि सुधा इस टाइप के ऐड आते हैं। एक आदमी आके बोलता रात के 12 बजे सस्ते ऐड, लक्ष्मी यंत्र घर पे लाइए, आज ही लाइए बिगड़े काम बनेंगे, लक्ष्मी यंत्र घर पे लाइए लाभ होगा। तो तू क्यों बेच रहा है? खुद ही लाभ उठा ले, उसकी खुद की हालत से लग रहा है कि इसको खुद नहीं लाभ लाभ होगा। ये देखो सेट को पी लिया हो गया इसके। अलग अलग। अब आप देखिए एक और ऐड आता है रात को 11-12 के बाद, काले से गोरा करने क्रीम रूप अमृत, ऐसी कोई क्रीम है क्या? नहीं है तो बताओ, मैं भी अप्लाई कर लेता हूँ। सीधा क्रिस गेल से विराट कोहली हो जाता हूँ। है कोई अनुष्का, कोई नुस्खा है?
उसमें एक महिला आके इतना झूठ बोलती है काले से गोरा करने क्रीम में, उसके उसको भी लगता है सस्ता है एकदम। पहले मैं बहुत काली थी, बहुत काली थी, इतनी काली थी, इतनी काली थी, माँ काली थी, बहुत काली थी। मेरी परछाई भी मुझसे गोरी लगती थी। मेरा नाम कोयल था, पूरा मोहल्ला मुझे कोयला बोलता था। थैंक्स रूपामृत, इसे लगाते मैं रातों रात गोरी हो गई। अब तो मैं बिंदास अपने जेब में रूपामृत रख लेती हूँ और कहीं भी जाके मुंह काला करके आ जाती हूँ। पहले मेरी शादी नहीं हो रही थी, अब मेरी रोज शादी हो रही है। एक समय कुछ किसी किसी कोई मतलब नहीं। और ऐड कहा सर महेंद्र यादव बजाता, घर पे चाय बनाते चाय। मैंने कहा भाई चाय पिलाइए, देखा तो चाय की केटली पे झाग। तो झाग कहाँ से आया? बोले किसी को बताना मत। बोले बताइए। बोले चाय बना रहा था तभी दूध खत्म हो गया, फिर टीवी पे ऐड आया दूध सी सफेदी। निर्मा मिला दी। और रात के 4 बजे के बाद फिर बाबा रामदेव टीवी पे आ जाते, द हैंडसम गाय ऑफ द वर्ल्ड, और वो चाहता कि दुनिया भी उसकी तरह हो जाए। योगा से होगा, करते रहो, योगा से होगा, योगा से होगा, वरना किसी के बाप से भी नहीं होगा। योगा से होगा, मैं भी योगा से हुआ हूँ। नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरी पहचान तो योगा ही है। करो 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 करो, करते रहो। एक दिन तो मैं ट्रेन से जा रहा था, एक बंदे को देखा मेरे सामने शुरू हो गया। भाई ये जो ट्रेन है ये गीतांजलि है पतंजलि नहीं? अजीब बुखारी उनके शिविर देखा भालू नाखून घिस रहा, भालू। तो बाबा ने कहा देखा अब तो जानवर भी योगा करते हैं। वेरी गुड, इंसान थे इंसान, जानवर भी योगा करते हैं। खड़ा खड़ा होकर बोला मैं जानवर नहीं हूँ, अहमदाबाद से आया हूँ, 20 साल से नाखून घिस रहा हूँ, सर से पांव तक बाल आ चुके, पहले मैं माला माल था, बाला बाल हो चुका हूँ। एक दिन दिनेश बाबू चला गया, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ क्या करूँ। राष्ट्रीय एकता मंच राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना द्वारा आज के शहीद दिवस के उपलक्ष्य में सुखदेव सिंह और उनके साथियों ने जो शहादत इस भारत देश की रक्षा के लिए, इस भारत देश को आजादी दिलाने के लिए जो समर्पण की, उसको समर्पित श्रद्धांजलि के तौर पर हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही आज के दिन शहीदों को भी सम्मान और उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँ जो 14 फरवरी पुलवामा में शहीद हुए थे, उनको भी आज के दिन हम श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पण अर्पित करते हैं। और आज का दिन भारत देश, भारत देश की जनता कभी नहीं भूलेगी, और यूं ही हम इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।